हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुव एव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास इस समय इस्कॉन उज्जैन से ये फेसबुक लाइव सेशन आप सभी भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रिय भक्तों, ये जो लाइव सेशन है ये लाखों लाखों भक्तों की धड़कन है। दिस लाइव सेशन इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द डिसाइपल्स ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज। हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हुए हैं। हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन संस्था के नींव थे। ही वॉज द पिलर द बैकबोन ऑफ इस्कॉन सोसाइटी। जिस प्रकार आप सभी भक्त जानते हैं कोरोना काल में ही कोविड में ही महाराज जी ने नित्य लीला में महाराज प्रवेश कर गए, लीविंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज वीपिंग। हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज की जगह उनका स्थान कोई भी नहीं ले पाएगा। भक्तों, मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ किस प्रकार भक्त हम सब रोए थे, सब भक्त कितना विलाप कर रहे थे। एवरीवन वाज इन टीयर्स फ्रॉम सीनियर वैष्णवस टू सन्यासीज वर क्राइंग। ये दिन मुझे याद है, इट वाज 4th of July। और खासकर जितने भी वैष्णव महाराज जी के दर्शन, जो उनकी समाधि के दर्शन को हम दर्शन नहीं कर पाए अंतिम समय में, वो जो क्षति है वो हमें किस प्रकार लगी उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उन सभी भक्तों के लिए जो पहली बार महाराज के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ फेसबुक लाइव सेशन में, मैं आपको ये बता दूं, हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज जी एक फिल्म मेकर के बेटे हैं। उनके पुत्र थे, उनके पिताजी एक फिल्म मेकर थे, तो बचपन से ही उन्होंने अपने पिताजी को कैमरास के साथ देखा था, कैमरास को चलाते हुए। तो इस कारणवश अभय चरण जो सीरियल चलता है पूरे इस्कॉन में, इस्कॉन डिजायरी है ना, इस्कॉन टेलीविजन जो है हरे कृष्णा टेलीविजन पे आप अभय चरण देखते हैं सीरियल, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी की पूरी जीवनी का एक मूवी बनाई हुई है। तो भक्ति चरण महाराज जी ने लेट 1990s में अभय चरण मूवी बनाई श्रील प्रभुपाद जी के लिए। उनकी पूरी की पूरी जो जीवनी है उसको टीवी के माध्यम से दिखाया था। 4 मिलियन व्यूज उसको 1990s में मिले थे। एक दिन का खर्चा उसको बनाने में 21 लाख 22 लाख रुपए आता था, लेकिन किस प्रकार भक्ति चरण महाराज जी ने उसको बनाया श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करने के लिए, ये एक अजूबा है। इट्स ए ड्रीम इन इट सेल्फ। ऐसा क्यों हुआ कि श्रील भक्ति चरण महाराज जी ने अभय चरण सीरियल बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि एक बार वो एक बुक पढ़ रहे थे विच वॉज कॉल्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ 20th century। सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम था उस किताब में, 20th century में जो सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद जी का नाम नहीं था। ये बात हमारे हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी को चुभ गई। महाराज जी ने सोचा आई विल ग्लोरीफाई श्रील प्रभुपाद और ऐसी ग्लोरीफिकेशन करनी है कि पूरी दुनिया देखेगी। तो भक्ति चरण महाराज जी ने अपना कैमरा उठाया और अभय चरण सीरियल को बनाना प्रारंभ किया। ही वॉज द डायरेक्टर, ही वॉज द स्क्रिप्ट राइटर, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट वॉज ओनली हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज। Why is this Facebook live session special? I may commit a lot of mistakes. मैं सभी वैष्णवों से पहले क्षमा चाहता हूँ।
लेकिन आज का फेसबुक लाइव सेशन इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जुड़े हुए हैं इस्कॉन उज्जैन में, और हम आपको एक वर्चुअल टूर दिखाएंगे हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी का, जहाँ पर महाराज बैठते थे, अपने भक्तों से मिलते थे, कौन कौन सी बुक्स वो पढ़ते थे, उनके पेन, उनके नोट पैड, सबका दर्शन आपको लाइव मिलेगा। सो प्लीज़ शेयर दिस दर्शन टू स्पेशली ऑल द डिसाइपल्स ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंदर जाता हूँ और दर्शन आपको कराता हूँ और महाराज जी के दर्शन कराता हूँ और महाराज जी की वाणी से सुनेंगे। बस ये याद रखना, हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज को जब 1977 में श्रील प्रभुपाद पहली बार मिले थे अलाहाबाद से कोलकाता की ट्रेन में, श्रील प्रभुपाद सेड यू ट्रांसलेट ऑल माय बुक्स इन बंगाली, एंड हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज ट्रांसलेटेड ऑल ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स इन बंगाली। गौर पूर्णिमा में उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक ही दिन में इकट्ठी दे दी थी। मिलने के एक महीने बाद ही श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे भक्ति चरण महाराज। और श्रील प्रभुपाद जी का जब आप नित्य लीला का वीडियो देखते हो वृंदावन में समाधि में, जब उनको समाधि दी जा रही है, सो इट वॉज हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जिन्होंने प्रभुपाद जी को आलिंगन करके, उनका स्पर्श करके, उनको पकड़कर उनको समाधि दी थी। यू कैन सी हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज डूइंग दैट पर्सनल मोस्ट इंटीमेट सर्विस जिसको और किसी को मिली नहीं थी। सो लेट्स ऑल रेज आवर हैंड्स अप और जोर से प्रेम से बोलेंगे हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज की जय। तो सब अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, मैं आपको महाराज के एक तरह से पर्सनल घर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर वैष्णव मन इस प्रांगण के अंदर नहीं आते बिकॉज दे डोंट फील देम सेल्फ केपेबल, और उनको इतनी सारी यादें आती हैं महाराज की तो वो आ नहीं पाते हैं। बड़ी हिम्मत करके मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। पकड़ लो तो महाराज ने अभी भी हमें बताया, महाराज दिस वॉज द प्लेस वेयर गुरु महाराज यहाँ बैठ के सभी यहाँ प्रवचन देते थे सभी भक्तों को। सो यू कैन सी वर्चुअली दिस इज द हॉल वेयर महाराज यूज्ड टू सिट एंड गिव लेक्चर्स। जी, गुरु महाराज का ऑफिस जय। लाइब्रेरी जाए। यू कैन सी हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज यूज टू सिट ओवर हियर, दिस इज हिज ऑफिस एंड वेयर ही यूज टू डू हिज मीटिंग्स। और गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखा है ओशन ऑफ मर्सी, जो पाठ के साथ किसी भी हुआ जी, उन्होंने हिंदी इंग्लिश बांग्ला और अलग अलग भाषा में अनुवाद हुआ है। तो गुरु महाराज इंग्लिश और बंगाली खुद ने लिखा है जी, हमारे तरफ से आपको शब्द मिले। हरी बोल। Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. This is Ocean of Mercy, and I know a lot of disciples already have this book. अगर आपके पास ये किताब नहीं है, please, it's been written by Maharaj himself, Ocean of Mercy. Thank you, Maharaj, for this wonderful gift. Thank you so much, Maharaj. चलिए आगे दर्शन कराते जी। मैं महाराज एक बार थोड़ा सा zoom in करके दिखा देता हूँ सबको।
You can see over here, in this is Maharaj's library. Some of the books Maharaj used to read. ये महाराज जी की लाइब्रेरी है. महाराज कौन कौन सी यहाँ पर, यू कैन सी गोपाल चंपू इज़ ओवर हियर, लघु भागवत अमृत भक्ति रसामृत सिंधु जाय. यस महाराज. जी जी जी, गेस्ट मीटिंग एरिया. यस महाराज. गुरु महाराज अपग्रह, गुरु महाराज का पर्सनल यूज़ का तरह. जी जी. म्यूजियम रखते हैं. हाँ जी. उसकी हैंडराइटिंग और चश्मा. गुरु महाराज की हैंड राइटिंग यू कैन सी ओवर हियर. जो चश्मा महाराज पहनते थे. पर्सनल स्पेक्स यू कैन सी. दिस इज द डिक्टाफोन ऑफ महाराज. यस महाराज. ऑल द पेन्स दैट महाराज यूज टू यूज यहाँ पर रखे हुए हैं. डायरी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कार्ड होल्डर. यस महाराज. ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिकन. यस. दिस इज महाराज हिज म्यूजिक नोट्स. अच्छा, ये महाराज जी की डायरी जिसमें वी ऑल नो किस प्रकार जब हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जब स्पेशली बंगाली भजन्स गाते थे तो किस प्रकार सभी भक्तों के हृदय कैसे द्रवित हो जाते थे. तो इस महाराज पर्सनल म्यूजिकल नोट्स महाराज जी कह रहे थे अभी सारे गामा पा. बहुत सुंदर. दिस इज महाराज नोट पैड हैंड राइटिंग. हाउ टू कॉन्कर द फियर ऑफ डेथ. महाराज जी के नोट्स यहाँ पर दिए. क्लास जी जी जी, जो नोट्स बनाते थे. और यहाँ पर यू कैन सी देर अ लॉट ऑफ महाराज जी के जो गुरु भाई के नाम है, डिफरेंट सन्यासीज नेम. यू कैन रीड त्रिविक्रम महाराज, यू नो बीबी गोविंद स्वामी महाराज, केशव भारती महाराज. सो आई वॉज टोल्ड कोई मन कोई फेस्टिवल होना था तो उनका नोट्स बना रहे थे किस किस गुरु भाई को बुलाना है यहाँ पर. उनका वेलकम. यस. जपमाला हरी बोल. महाराज की पर्सनल जपमाला है, बीट बैग है, तिलक किट है. यस महाराज. दिस महाराज पर्सनल गैजेट दैट ही यूज टू यूज. हिज रिंगिंग बेल इज हियर. Phone, watch. And in hospital, Guru Maharaj took these three books. Okay, yes, Maharaj. These three books, okay. Because Guru Maharaj in the hospital, he carried these three books with him. These are the three books. ये तीनों पुस्तकें हैं जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता है जो हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे साथ में. तो लिखा यहाँ पर बुक्स श्रीला गुरु महाराज कैरीड विद हिम टू हॉस्पिटल ऑन 17th June 2020. ये डिफरेंट मार्कर्स है ना, स्टेपलर, टेप, जो भी प्रयोग किया जाता था महाराज जी के द्वारा, ये सब दिए हुए हैं. हिज पेपर वेट दैट ही यूज्ड टू यूज. जय. थैंक यू महाराज. वील गो देयर महाराज. या ओके. यस. थैंक यू महाराज. आप लोग जाना द लाइब्रेरी. आप रात के तलाम आपने पहन लिया आपको जी. यू आर नाउ गेस्ट. तो बात में कैसे मत. दिस इज गुरु महाराज जी. बंगाली या अनदर लैंग्वेज. सब बंगाली. 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 This is Bengali, Maharaj? Yes, Bengali, Bhagavad. Bengali. Different acharyas. In this room, Guru Maharaj used to sometimes used to place this. Acha. Jai.
दिस इज टेबल बैक साइड दिस यहाँ पर ये वही स्थान है जहाँ पर महाराज आयरन करके दिखाते थे भक्तों को कि इस प्रकार आयरन करना है कपड़ों को भी मतलब हर चीज बेसिक से लेकर हर चीज महाराज पर्सनली यहाँ पर लिखा हुआ है ना अपनी आचार्य प्रभु जी वेर सिखाए चैतन्य चरितामृत का श्लोक है और किस मेनली हमें बंगाली पुराण जी ये महाराज का बेड वीर इन दी बेडरूम ऑफ महाराज महाराज का बेड है अभी महाराज ने बताया यहाँ पर बैठकर महाराज प्रसाद पाते थे श्रील गुरु महाराज सिटिंग प्लेस फॉर प्रसादम यहाँ पर उनकी हारमोनियम में पर्सनल हारमोनियम जो वो यूज़ करते थे कीर्तन्स के लिए और यहाँ पर मुझे बताया गया था कि कभी कभी यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा रियाज भी करते थे महाराज जी है ना रियाज करते थे महाराज महाराज जी का लैपटॉप बैग है वहाँ पर हिज ट्रैवलिंग बैग इज ओवर देयर जय महाराज ये क्या है जो यहाँ पर साथ में टिश्यू पेपर ओके टिश्यू पेपर है जी टिश्यू बॉक्स जी महाराज सन्यास डंडा वेयर अच्छा जी जी महाराज जी का है संन्यास डंडा है आप सभी भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं जय महाराज क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से हूँ तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन का था देखे मेरे को कृष्ण अर्जुन से कुरुक्षेत्र Being from the land of Bhagavad Gita, we feel very fortunate that His Holiness Bhakti Chauhan Maharaj ke room mein Krishna Arjun yahan par unhone I don't think there's many frame over here na aur koi photo se ek hi photo ek hi photo hai aur wo Krishna Arjun ka hai jai hari hari bol ek minute Gurudev ki hale hi hai acha Yes. With these cameras. हरी हरी बोल जाए दिस इज दिस कैमरा द ओभाय चरण टीवी शूटिंग यस महाराज आप में से जितने भी भक्त अभय चरण देख चुके हैं सीरियल या जो देख रहे हैं इस समय हरे कृष्णा टेलीविजन पे चल रहा है अभय चरण सीरियल His Holiness Bhakti Charan Maharaj को आप देख सकते हैं शायद ये आपको फोटो कभी देखी नहीं होंगी एंड दिस इज द ओरिजिनल कैमरा व्हिच महाराज हेल्ड
ये आने वाले समय में जो अभय चरण महाराज ने सीरियल बना दिया है, ये अनंत काल तक लोगों को श्रील प्रभुपाद जी के साथ जोड़े रखेगी। एंड महाराज आई वुड लाइक टू पर्सनली शेयर, व्हेन महाराज केम टू टेक ऑडिशंस इन वृंदावन गुरुकुल बैक इन 1990s, सो मी एंड माय ब्रदर वर इन वृंदावन गुरुकुल। तो उन्होंने है ना, हाँ जी भाई, हाँ जी है, फोन नंबर लग गया। तो उन्होंने ऑडिशन दिया एंड ही पास, और उन्होंने प्रभुपाद जी के बेटे का रोल टांगा का, वो कुसुम सरोवर का जो सीन है, ये एक और कैमरा है। हरी हरी बोल, लुक एट दिस महाराज, जय। एंड दिस इज महाराज जस्ट टोल्ड अस कि ये जो है यहाँ पर कभी कभी महाराज थोड़ी ट्रीटमेंट लेते थे, तो ये जो टेबल है यहाँ पर ट्रीटमेंट टेबल, दैट इज द ट्रेडमिल। ओके जी, यस महाराज। गुरु मास्टर, आप बहुत अब धन्यवाद जानते हैं, आप आया इधर में गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा आप आते ही रहना, ये आपका मंदिर है जी। बिल्कुल, और आप कितने दिन तो बहुत जान चुके हैं उनका बताना, वो आपको याद कर रहे थे। हाँ वो मैं मेरी रिपोर्ट ले रहे थे, तुम क्या कर रहे हो जेल में, इंदौर में क्या करने जा रहे हो, तो मैंने जब बताया महाराज ने मेरे को आदेश दिया है, तो उन्होंने बोला कि महाराज मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको मेरा प्रणाम बोला, तो वो आपको याद कर रहे हैं। बोला एक बार तो दो चार प्रवचन दिए उन्होंने जी जी, अभी उन्होंने गुरु महाराज ने अभी ज़्यादा ना जी महाराज। थैंक यू, आपके यूट्यूब के माध्यम गुरु महाराज का अभी मैंने देखा, इसीलिए धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। ये विश्व भर से जो भक्त लोग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, आपके कृपा से सब भक्तों को दर्शन हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। मैं जरा वहाँ एक बार लेके जाता हूँ, महाराज आई जस्ट टेक टू मिनट्स और मैं इसको फाइनल कर लेंगे, इसके सामने बैठ लेंगे, वो तो किसी को है नहीं ज़्यादा, नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ महाराज के चरणों में बैठ जाऊँगा। जी दिख रहा है महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हिज होलनेस भक्ति प्रेम महाराज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सभी भक्तों की ओर से, और दिस वॉज बहुत सौभाग्यशाली हम सब कि महाराज ने पर्सनली अपना समय निकाला। महाराज अब एक लेक्चर के लिए निकल चुके हैं, ही वॉज एक्सट्रीमली बिजी, महाराज ने हमें समय दिया। एंड महाराज इज़ द सेकेंड इनिशिएटेड सन्यासी डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज, तो उन्होंने पर्सनली हमें महाराज जी का पर्सनल रूम, उनका ऑफिस, उनके कैमरे के दर्शन कराए, इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ हम सौभाग्यशाली, बहुत 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 कृपा हम पे हुई है। एंड फॉर ऑल दोज डिवोटीज जो पर्सनली हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी को नहीं मिल पाए या उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए हैं, ओशन ऑफ मर्सी, प्लीज़ गिव मी द बुक, ओशन ऑफ मर्सी इज वन बुक दैट यू ऑल शुड हैव एंड एवरी इस्कॉन डिवोटी शुड रीड। हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जैसे सन्यासी, इतने सीनियर वैष्णव सन्यासी श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित कर दिया, सो दिस इज़ द बुक। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon. Yes, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon. यू कैन परचेज इट फ्रॉम Amazon. ओशन ऑफ मर्सी। मैं थोड़ा सा महाराज जी के बारे में आपको मैं बता दूँ, उज्जैन का मंदिर अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है, इस्कॉन में बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन उनमें सिर्फ एक ऑल्टर है या दो ऑल्टर हैं, हमारे इस्कॉन उज्जैन में गौरनिताई हैं, कृष्ण बलराम हैं,
क्योंकि यहाँ पर कृष्ण बलराम संदीपानी मुनि जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन आया, जिनका लाइव मैंने अभी दिखाया आपको। तो यहाँ पर आपको कृष्ण बलराम और संदीपानी मुनि जी के दर्शन होते हैं। गौरनीताई हैं, कृष्ण बलराम हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी हैं, और यहाँ पर भगवान नरसिंह देव जी के भी विग्रह हैं, बिल्कुल मायापुर की तरह। ठीक है, मैंने किसी को मिस तो नहीं किया? सो हाउ मेनी ऑल्टर्स? नरसिंह देव, गौरनीताई, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ, एंड या फोर ऑल्टर्स, राइट? फिफ्थ इज गौरनीताई, कृष्ण बलराम, राधा मदन मोहन, ही इज द सेंटर, वो तो हमारे सेंटर। हाँ जी, अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सो वी हैव ओशन ऑफ मर्सी इन इंग्लिश, आई शोड यू। इसके बाद ये है हिंदी में, पहचान लिया मैंने। अगली लैंग्वेज देखते हैं हम, उड़िया। इनको एक बार देखते हैं अगर आप इसको पहचान सकते हो। अगली लैंग्वेज कौन सी? दिस इज उड़िया। केमनो छंती, खूब भालो। ये है उड़िया लैंग्वेज में ओशन ऑफ मर्सी। ये हम आपस में ही गेस कर रहे हैं कि ये कन्नड़ है कि तेलुगु है। सो वी हैव, दिस इज तमिल। तमिल भाषा में ओशन ऑफ मर्सी, इट्स अवेलेबल, प्लीज परचेज इट राइट नाउ। दिस इज बांग्ला। और बांग्ला तो खास भक्ति चरण महाराज जी के बंगाली शिष्य बहुत हैं, और जब महाराज बंगाली भजन, जब वैष्णव भजन गाते थे, तो आप सभी को पता है किस प्रकार हृदय द्रवित हो जाता था, हार्ट यूज टू मेल्ट। अभी अभी जब मैं संदीपानी मुनि जी के आश्रम में जा रहा था, तो जो जो क्या नाम है, डिवोटी जो तो शिष्य थे, उन्होंने महाराज जी का एक वैष्णव भजन चलाया हुआ था, महाराज गा रहे थे, वो सो हार्ट मेल्टिंग। तो आप YouTube पे महाराज जी के वैष्णव भजन भी सुन सकते हैं। और इट वॉज प्रभुपाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज की, आपको मेरे सारी किताबें बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करनी है, एंड हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी ने वो किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगली जो बुक है वो दिखाइए। ओके, सो वी हैव तमिल, उड़िया में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। सो प्लीज गो गेट योर ओशन ऑफ मर्सी बुक। कुछ बातें मैं आपको और बताना चाह रहा था। इस्कॉन उज्जैन का जो मंदिर है वो 9 महीने और 20 दिन, am I right? 9 months or 8 months? 9 months 20. बस परफेक्ट, 9 months and 20 days में इस्कॉन उज्जैन का मंदिर बन गया। जब किसी ने हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी से पूछा कि आपने इतने जल्दी इतना भव्य मंदिर कैसे बना दिया, तो उस समय हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी का उत्तर था कि मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 मंदिर बना दिए, तो क्या मैं अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए 9 महीने में या 10 महीने में एक मंदिर नहीं बना सकता? वहां पर 10 साल में 108 बन गए, तो यहां पर 10 महीने में एक तो मैं बना ही सकता हूं। तो दिस वॉज दी महाराज का जो ये अप्रोच था टूवर्ड्स प्रीचिंग। और आम सबको पता है कि किस प्रकार भक्तों ने मना किया, निवेदन किया, प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज आप प्लीज मत जाइएगा अमेरिका में। एंड वी हैव ऑल वॉच दैट वीडियो, हम सब ने वो वीडियो के दर्शन करे, किस प्रकार हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज इज रोरिंग लाइक अ लायन दैट आई एम अ सोल्जर ऑफ श्रील प्रभुपाद। मैं एक सैनिक हूं श्रील प्रभुपाद जी की सेना में, और अगर मुझे कुछ होना होगा मैं अपने प्राण कहां त्यागना चाहूंगा, रणभूमि में प्रचार करते हुए। तो हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी को भक्त लोग रोक रहे थे, महाराज आप प्लीज मत जाइएगा, कोविड कोरोना बहुत बढ़ रहा है, लेकिन महाराज फिर भी गए अमेरिका में। वहां पर उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, खासकर गो माताओं की सेवा के लिए। महाराज वॉज गोइंग टू डी लैंड, और वहां पर उनके बहुत सारे लेक्चर्स और प्रोग्राम्स थे। महाराज पीछे नहीं हटे और प्रचार में आगे बढ़े। महाराज का जो उत्साह है, जो प्रेम था श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति, एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, एवरी डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज हैज हर्ड दिस डायरेक्टली फिजिकली फ्रॉम महाराज, कि जब महाराज कभी भी किसी को इनिशिएशन देते थे, दीक्षा देते थे, महाराज एक बात जरूर कहते थे, नेवर लीव इस्कॉन। आप इस्कॉन संस्था को कभी भी मत छोड़िएगा। ये हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी के अपने मुखारविंद से एक बार नहीं, जब भी उन्होंने दीक्षा दी है, ये उनके मुखारविंद से निकला है। ये हम सबको याद रखना है, अंतिम सांस तक कुछ भी हो जाए, कैसे भी हमारे भक्ति में उथल पुथल हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हमें कोई कह दे, लेकिन इस्कॉन संस्था को हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। और एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे भाई कलकत्ता में
हिज होलीनेस भक्ति चोरम महाराज जी से मिले थे, उस समय मेरे पास फ़ोन भी आया था हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु का भी। मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये दर्शन आप सभी के लिए अरेंज किए, महाराज जी से बात करी हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज जी से, उन्होंने ये अरेंजमेंट कराया। तो आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु ऑल्सो। उस समय मैं कहीं बाहर प्रचार के लिए गया था तो मेरे भाई जो है वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए कोलकाता में थे, और उस समय मेरे को कृष्ण किशोर प्रभु ने बताया था कि महाराज इज़ रिमेम्बरिंग यू एंड ही गॉट टू नो दैट यू वर ऑल्सो ग्लोरीफाइंग हिम ऑन हिज व्यास पूजा। बड़े प्रसन्न थे, बहुत अच्छा लगा। उस समय मुझे पता लगा कि मेरे भाई ने महाराज जी से निवेदन किया था कि प्लीज़ आप कुरुक्षेत्र आइएगा महाराज, एंड महाराज जी ने बोला था कि मैं अवश्य आऊँगा, और कृष्ण किशोर प्रभु जी को यहाँ तक कहा था कि प्लीज़ पुट इट इनटू माय शेड्यूल दैट आई वांट टू गो टू कुरुक्षेत्र एंड प्लीज़ यू नो फाइनलाइज दिस विजिट टू कुरुक्षेत्र धाम। लेकिन उससे पहले हिज होलीनेस भक्ति चोरम महाराज अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो खासकर यहाँ पर जितने भी भक्त इस्कॉन उज्जैन के हैं, जितने भी शिष्य हिज होलीनेस भक्ति चोरम महाराज के हैं, पूरे संसार में मैं हाथ जोड़कर महाराज के वाणी को पूर्ण करने के लिए मैं आप सभी से भीख मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ विजिट कुरुक्षेत्र धाम। महाराज जी की ये इच्छा थी कि महाराज वहाँ पर आए। तो आप सभी को यहाँ पर ही कल जो परसों की बात है, कल की बात है, जो यहाँ के जो हेड पुजारी हैं उनका नाम हिज ग्रेस अरुणाक्ष प्रभु जी ने जब हमें महाप्रसाद खिलाया था भगवान का, तो वहाँ पर और भी कई सारे ब्रह्मचारी बैठे थे, हम इस बात को याद कर रहे थे। तो ये बात सभी सीनियर डिवोटीज़ ने ही कहा कि कृष्ण किशोर प्रभु जी भी कह रहे थे इट वाज महाराज डिज़ायर टू कम टू कुरुक्षेत्र, सो विच दैट ही फिजिकली कुड नॉट व्हाट यू कॉल कंप्लीट, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हिज डिसाइपल्स टू प्लीज़ विजिट एंड कम टू इस्कॉन कुरुक्षेत्र। तो इस्कॉन उज्जैन से महाराज जी के अपने ही घर से मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज़ कम टू इस्कॉन कुरुक्षेत्र, और आप महाराज के तरफ से आप अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज की जय। बहुत कुछ बोलने को है लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आप फिर से दर्शन कर लीजिएगा। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते नहीं हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी यादें हैं गुरु महाराज के साथ, कैसे गुरु महाराज बैठते थे, बात करते थे, कैसे उनको बुलाते थे, वो इमोशंस, वो उन्होंने जो दर्शन किए हैं महाराज के साथ, यहाँ कोई आ नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने भी हिम्मत करी है, महाराज ने हमें आज्ञा दी तो हम आपको ये दर्शन करा पाए हैं। पुनः एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरि हरि बोल। तो महाराज के सामने मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। अगर आप महाराज जी की डायरी में देखेंगे यहाँ पर गोविंद देव जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, इज़ मेकिंग नोट्स ऑन गोविंद देव जी। हमें पता है ना कि गोविंद देव जी में क्या नाम है उनके अलग अलग, जैसे यहाँ पर मदन मोहन जी, गोविंद एंड गोपीनाथ। यहाँ पर आई थिंक महाराज इज़ राइटिंग अबाउट राधा रमन जी, बिकॉज राधा रमन जी में तीनों डीटीज़ का क्या नाम है वर्णन आता है, मदन मोहन जी और गोविंद जी और गोपीनाथ जी भी उनके विग्रह के दर्शन होते हैं। ये दिखा रहे हैं कि कैसे रथ कैसे अमराना है, खुद बना के दिखाया। रिलेशनशिप, प्रॉपर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट, कंपैशन एंड सपोर्ट सिस्टम, लीगल प्रोटेक्शन। और यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ के दिखाना चाहूँगा, हाउ टू कॉन्कर द फियर ऑफ डेथ, महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। How to conquer the fear of death? We are afraid of death. Real darkness is the darkness of ignorance, and that darkness is removed by the light of knowledge. The worst kind of fear is the fear of death. People are afraid of death because they think that death will take everything away from them. In death, they will lose everything. Besides that, death, they think, will be very painful. मेरे को कृष्ण किशोर प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो कार्ड होल्डर है वो महाराज को बहुत प्रिय था, अपने कार्ड को बड़े संभाल कर रखते थे। हरी 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 बोल।
थैंक यू. श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो पार्ट 1 एंड 11th कैंटो पार्ट 2. एंड यस, आई वॉज टोल्ड बाय कृष्ण किशोर प्रभु, हिज होलीनेस भक्ति चरण महाराज जी हर दिन सोने से पहले भगवद गीता का एक चैप्टर, श्लोक नहीं, पूरा एक चैप्टर पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे. हरि बोल जी. महाराज जी का ऑफिस, सिटिंग चेयर, यहाँ पर महाराज बैठकर मीटिंग्स करते थे सभी भक्तों के साथ. यहाँ पर बैठकर महाराज क्लासेस दिया करते थे. यस, ये महाराज के पर्सनल शूज हैं. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे त्रिनापेका अतिहीना, सकल सहन बोल दिया करो निज मने स्प्रियहीना. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे. दिस इज महाराज बेडरूम. त्रिनापेका अतिहीना, महाराज इज पर्सनल संन्यास डंडा. सकले सहन बोल दिया करो निज माने स्प्रियहीना. महाराज बेड, महाराज ट्रैवलिंग बैग्स, लैपटॉप बैग, हिज सिटिंग प्लेस टू टेक प्रसादम, यहाँ प्रसाद खाते थे, हिज पर्सनल हारमोनियम. निज माने स्प्रियहीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे त्रिनापेका अतिहीना. यहाँ पर बैठते थे महाराज. ओहे वैष्णव ठाकुर, महाराज पर्सनल कैमरा जिससे उन्होंने अभय चरण सीरियल बनाया, ये आपके सामने है दर्शन. आप माया दिया पद छाया शोदाए अमायो तुमारो चरण धरी, तुमारो चरण धरी. ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर हे दासे करुण कोरी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम चरण स्वामी महाराज की जय. की जय. समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. नेवर फॉरगेट, वी शुड नेवर फॉरगेट, ऑल ऑफ अस शुड नेवर फॉरगेट महाराज इंस्ट्रक्शंस टू अस, नेवर लीव इस्कॉन. श्रील प्रभुपाद की जय.